बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9, सब्जेक्ट है आपका मैथ। यूनिट नंबर बच्चों हमारा वही 6 है और एक्सरसाइज है 6.6। आपको बताया था स्टूडेंट्स मैंने कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजिंग मेथड और एक स्क्वायर रूट बाई डिविजन मेथड। फैक्टराइजेशन वाला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सारा समझा लिया था, आज जो हम करेंगे वो है डिविजन मेथड ना। स्टूडेंट्स आपने 8th में 7th में आपने नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का तरीका सीखा था। यहाँ बस हमारे पास जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2xn प्लस 1। मैंने आपसे कहा कि स्क्वायर रूट कैसे, जैसे आपने फर्स्ट किया 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो आंसर कितना आता है 36 और उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपके पास 6। सेम इसी तरह आपने जैसे यहाँ पे क्या है x4 है तो आप x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा x4। ठीक है, यानी जो आपका नंबर है वही आपने उसे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना है। आपने x² को x² से मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आ गया x4। फिर आपने बाकी के रिमेनिंग नंबर यानी माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2xn प्लस 1 एज इट इज उतार दिए। अच्छा, सेकेंड स्टेप पे आपने क्या करना है, ये था स्टेप 1। अगर आपने x² को x² से करेंगे तो x4 आ जाएगा। फर्स्ट करें यहाँ पे x² होता तो आप x को x से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आ जाता x². अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप पे, क्या करेंगे कि आपने इनको ऐड करना है, यानी 1x² में 1x² ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 2x². अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यूज है, यहाँ है हमारे पास 2x³। अब हम 2x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए 2x³। अब हम जाहिर बात है यहाँ पे 2x³ है और हमारे पास क्या है 2x². अब हम क्या करेंगे इसको x से सिंपल माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x यहाँ पे भी लिखेंगे और माइनस x हमारे पास क्वेश्चन भी आ जाएगा। माइनस अब 2x² को आपने माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 2x³। और फिर आपने माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया प्लस x². साइन आपके चेंज हो गए, आपके पास इन दोनों की कटिंग होगी। अब आपके पास 3x² में से आपने 1x² माइनस किए तो आपके पास क्या आ गया 2x² और माइनस 2x एंड प्लस 1 आपने एज इट इज उतार लिया। यहाँ आपके पास जो सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, वो क्या हो जाएगा कि माइनस एक्स में माइनस 1x ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया माइनस 2x। अब यहाँ नंबर आपके पास क्या है 2x² माइनस 2x प्लस 1 और वहां हमारे पास क्या है 2x² और माइनस 2x। अगला जो नंबर है वो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही आपका क्वेश्चन है और यही वहीं से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आ गया माइनस 2x² माइनस 2x एंड प्लस 1। आपके पास साइन चेंज हो गया, कटिंग हो गई, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 0। अब स्क्वायर रूट जो है इस गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ गया प्लस माइनस x² माइनस x एंड माइनस प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फोर्थ पार्ट है बच्चों, बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट से इसी मेथड से आपने कर लिए। फोर्थ पार्ट है आपके पास x6 माइनस 2x4 माइनस 4x³ प्लस x² माइनस 4x एंड प्लस 6। अरेंज हमारे पास वैल्यू है, अब हमने यानी x3 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x6। ठीक है, यहाँ पे आपके पास साइन चेंज हो गया, कटिंग हो गई, आपने तमाम रिमेनिंग वैल्यू ऐसी उतार दी। आपने 1x³ में 1x³ ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 2x³। अब हम कहेंगे कि हमने किस से मल्टीप्लाई करें, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए 2x4। यानी अगर हम प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस x को हम यहाँ से हमारा क्वेश्चन भी आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x4 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x2। साइन चेंज हो गए, इनकी कटिंग हो गई, अब आपने अपनी रिमेनिंग वैल्यूज उतार दी यानी -4x³ -4x एंड +4। यहां हमारे पास वही एडिशन वाला यानी सेकंड स्टेप, 1x में 1x ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x³ +2x। अब आपने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4x³ आ जाए 2 से, 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 भी क्या -2 -2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी -2 लिखेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4x³ 2 2 4x एंड 2 2 4। साइन चेंज हो गए, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। हमारा स्क्वायर रूट आ गया गिवन एक्सप्रेशन का, स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस x³ प्लस x एंड -2। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है बच्चों।
सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 4x। 4 को आपने 1 से किया तो आपके पास क्या आ गया 4/x + 6। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने से पहले मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व करना एक नामुमकिन सी बात होती है। हमने इस एक्सप्रेशन को अरेंज कर लिया x² + 4x + 6 + 4/x (n+1)x². अब क्या किया हमने, सबसे पहले x² है तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x². आपकी साइन चेंज हो गया, कटिंग हो गई, बाकी के तमाम वैल्यूज आपने एज इट इज उतार ली। आपने 1x में 1x ऐड किया, आपके पास क्या आ गया 2x। अब आपने देखना है कि 2x को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x आए, यानी आपको पहला वाला नंबर लाजमी लाना होता है, इसकी कटिंग करनी होती है। अब 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, +2 हमने यहाँ लिखा, +2 हमने अपने क्वेश्चन में लिखा, और 2 × 4x (n+2) = 4। साइन चेंज हो गया, कटिंग हो गई। अब आपने सब्सट्रैक्शन की, 6 में से आपने 4 माइनस किए तो आपके पास क्या आ गया 2, और बाकी का आपने एक्सप्रेशन एज इट इज उतार दिया। इसके बाद आपको अगला जो डिजिट है जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है वो है क्या 1/x। बच्चों मैंने वहां रफ मार्क किया हुआ है, आप अरे आप देख लें कि सबसे पहले हमने 2x को 1/x से मल्टीप्लाई किया, x/x की कटिंग हो गई, आंसर आपके पास क्या आ गया 2। फिर आपने 4 को मल्टीप्लाई किया 1/x से तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/x। फिर इसी तरह 1/x को 1/x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/x। साइन चेंज हो गया, सबकी आपकी कटिंग हो गई, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 0। अब गिवन एक्सप्रेशन, आपका पास जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया (+-x²+2+1)x². बच्चों इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.6 में से वो लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन भी देते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी देते हैं। ये इसीलिए मैंने आपको आपको इसके 3 पार्ट बताए, और बताया भी क्वेश्चन मैं आपको अगली लेक्चर में बताऊंगी। मतलब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हमारे इसका जो अगला लेक्चर है उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आते हैं। इंशाल्लाह अगली लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।